हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 24th ऑफ मई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा लेट है दोस्तों, आज 25th मई हो गई है। 25th मई के भी मैं करंट अफेयर शाम तक अपलोड कर दूंगा और कल अपन वीकली करंट अफेयर करेंगे वापस। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग खुद देखो, जब आप क्लास याद देख रहे हो डेली डेली वाली, तो आपको पुराना कितना याद करवा रहा हूँ मैं क्लास के अंदर, रिवाइज करवा करवा के किस तरीके से क्लास को मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप हर एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट को शेयर करो यार, पर नए 5 नए स्टूडेंट लेके आओ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एचपी सक्सेस क्लासेस को, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके स्टार्ट करते हैं अपन, और वीकली की भी मिल ही रही है वहीं पे। तो स्टार्ट करते हैं अपन डेली करंट अफेयर की क्लास। पहले अपन जनरल करंट अफेयर करेंगे। ओके पहला क्वेश्चन है, किसको अभी अपॉइंट किया है चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस बाई बार्क। बार्क ने चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस किसको अपॉइंट किया है, वो किया है विक्रमजीत चौधरी, ठीक है। विक्रमजीत चौधरी जी को अपॉइंट किया है। ओके अब बात करें रिसेंटली अपॉइंटमेंट, तो गोपी थोथा कूरा न्यूज में क्यों थे, क्योंकि ये पहले इंडियन है जो स्पेस में गए एज ए टूरिस्टर, एज ए टूरिस्ट घूमने गए हैं, ठीक है। ये किस पे गए हैं, जो जेफ बेजोस का है ना, जेफ बेजोस का एक मिशन है न्यू शेफर्ड 25, उस पे गए। न्यू शेफर्ड 25 मिशन, उस पे गए, ठीक है, याद रखना है ये। और ये आंध्र प्रदेश से, नाम भी याद रखना है कहाँ से है, ठीक है। अब बात करें अपन रिसेंटली, और मोहम्मद मुखबेर न्यूज में क्यों थे, क्योंकि ये ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट बने। ईरान के इंटरिम, स्पेलिंग बहुत एरर हो रही है मेरे साथ स्पेलिंग में, इंटरिम प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है कि विच कंट्री, कंट्री की जगह ऑर्गेनाइजेशन आएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स हैव गिवन देयर फाइनल अप्रूवल टू द ब्लॉक्स एआई एक्ट। कहने का मतलब है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया है, ताकि उसको ढंग से प्रॉपर वे में रेगुलेट हो, ठीक है। तो वो बनाया है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर थ्री पे, किसको अभी शो प्राइज मिला है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में शो प्राइज मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, ठीक है। अब बात करें और कौन कौन न्यूज में थे, सिरबाज खान न्यूज में क्यों थे, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, और ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किए विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, ठीक है। अभी दीप्ति जीवान जी न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर रेस में, हेट पैरा एथलीट चैंपियनशिप, पैरा एथलीट चैंपियनशिप कोब जापान में, ठीक है। और आप लोग डेली डेली अपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, मैंने बनाया बताए थे आप लोगों को टॉपिक वाइज, आप अलग से जैसे दो नोट्स बनाऊंगा करंट अफेयर में। अगर आपको करंट अफेयर में प्रो बनना है, एक तो डेली क्लास के करंट अफेयर एरो मेथड से, डेली करंट अफेयर के नोट्स एरो मेथड से बनाओ, ठीक है, एरो मेथड से बनाते जाओ। दूसरा आप टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाओ आपके अलग अलग, तो उससे क्या होगा, जब एग्जाम आएगा ना आप करंट अफेयर में बहुत ही प्रो हो जाओगे, ठीक है। मैंने बताया अगर आपको अभी भी डाउट है कैसे करना है करंट अफेयर को याद, नोट्स कैसे बनाने, तो कमेंट करना, तो मैं बताऊंगा वो वीडियो भी आपको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिजर्व कर दिया 33% ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन। 33% रिजर्वेशन दे दिया है गवर्नमेंट जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट जॉब में वुमेन को, तो वो दिया है कर्नाटका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट न्यूज में क्यों होते हैं, उनको रख लेते हैं अपन। यूपी, यूपी न्यूज में क्यों था, देखो यहाँ रिलेट करते हैं, क्योंकि यूपी ने रिसेंटली मोबाइल ड्रोन फैसिलिटी स्टार्ट की है, मोबाइल ड्रोन व्हीकल, मोबाइल ड्रोन व्हीकल या स्टार्ट यूज किए हैं, यूज फॉर ताकि सर्विलेंस कर पाए, सर्विलेंस ऑफ सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशन, जहाँ भी पोलिंग स्टेशन है उनकी निगरानी रख पाए, उसके लिए मोबाइल ड्रोन व्हीकल यूज किए हैं यूपी ने, ठीक है। अब मणिपुर न्यूज में क्यों था, देखो मणिपुर ने अभी बहुत सारे काम किए हैं, मणिपुर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, ठीक है, और एक ट्रॉफी जीती है सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, इसके लिए कौन सी ट्रॉफी जीती है इन्होंने, इन्होंने जीती है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी,
और जैसे करंट अफेयर मैं रिलेट करवा रहा हूँ ना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने तो कुछ रिलेट नहीं किया, फिर भी आपको करना है राज माता जीजाबाई ट्रॉफी। अगर मैं हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करने लग गया तो क्लास हो जाएगी 30 मिनट की, अपन को इतनी बड़ी भी नहीं करनी है। और इन्होंने फाइनल में डिफीट किया है हरियाणा को, ठीक है। सिक्किम न्यूज में क्यों था, सिक्किम को भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 148.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तीनों क्लियर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसने अभी लॉन्च किया प्री फायर मिशन टू स्टडी अर्थ पोलर रीजन, अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया नासा ने, ठीक है। प्री फायर की फुल फॉर्म पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल फॉर्म याद नहीं रह पाएगी इसकी। प्री फायर आपको बस याद रखना है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, 99.99% नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात करें नासा ने रिसेंटली और क्या किया है। नासा बनाने जा रहा है फर्स्ट रेलवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम ऑन मून, ठीक है। और नासा ने अभी न्यू चीफ बनाया है, न्यू चीफ फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए न्यू चीफ बनाया है नासा ने। किसको बनाया है, डेविड सेल्वेंगिनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच कंट्री हैज स्टार्टेड यूजिंग ए न्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द पोलिटिकल आइडियाज ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इट इज ऑफिशियली कॉल्ड जी जिनपिंग, तो ये ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, बट ध्यान रखना कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज किया है, ठीक है, जो पॉलिटिकल आइडियाज पे बेस्ड होगा जो प्रेसिडेंट है उनके, तो ये किया है चाइना ने, ठीक है। अभी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, विक्टोरिया शी, विक्टोरिया अच्छा, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये क्या है, मैंने अच्छे से याद करवाया था इसलिए मैं यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ। और होमवर्क का एक और क्वेश्चन भी मैंने दिया था जिसका रिप्लाई अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैंने बोला था कि जो तीन लिटरेरी है इंडिया के, उनको यूनेस्को की मेमोरी में ऐड किया है, लोकतंत्र क्या नाम है उसका, रामचरितमानस, ठीक है, पंचतंत्र, फिर ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, पंचतंत्र और शहर दया लोक लोपन, शहर दया लोक लोकाना, इन तीनों को लिखा किसने ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। दोनों होमवर्क के क्वेश्चन है, नोट कर लो आप, फिर लास्ट में रिप्लाई करना, ठीक है। अब बात करें इसी वीडियो के अंदर श्रीलंका न्यूज में क्यों था अभी, क्योंकि श्रीलंका को इंडिया ने 61.5 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी थी, इंडिया ने दी थी किसके लिए, कंके संथुरई पोर्ट के लिए। ओके, अभी रशिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि रशिया ने अभी इंडिया इंडियन आर्मी को AK-203 असोल्ट राइफल हैंडेड ओवर की है, असोल्ट राइफल हैंडेड ओवर की है, ये याद रखना। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच यूरोपियन कंट्री हैव रिसेंटली ग्रांटेड कंट्री स्टेटस टू पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को कंट्री स्टेटस कौन सी कंट्री ने मिलकर दिया है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है, तीन कंट्री है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने मिलकर दिया है, ठीक है। अब बात करें यूएई ऑप्शन में क्यों था, क्योंकि यूएई ने एक 10 ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लू रेजिडेंसी वीजा स्टार्ट किया, ब्लू रेजिडेंसी वीजा स्टार्ट किया है किन के लिए किया है, जो एफर्ट डालेंगे, एफर्ट करेंगे इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है दुबई में, दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्ट हुआ था, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने होल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। तो ऐसे ही करंट अफेयर रिलेट करना है। इटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इटली के अंदर अभी टाटा मोटर जो कंपनी है इटली में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, ठीक है। सिंगापुर न्यूज में क्यों था, क्योंकि सिंगापुर के अभी नए पीएम बने लॉरेंस वॉन्ग। आप जाके देख लो यूट्यूब पर, कोई इस तरीके से आपको करंट अफेयर याद कर रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, वर्ल्ड की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो वो चिली के अंदर। यहाँ थोड़ा इफेक्ट रह गया, एनिमेशन रह गया, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में ही कुछ एडिशनल, अभी एक स्टूडियो है, स्टूडियो गिबली, ठीक है, इसको क्या दिया है, पाम डोर अवार्ड दिया है, पाम डोर अवार्ड,
एट कान फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। अभी एक अवार्ड दिया, केपीपी नामबियर अवार्ड, नामबियर अवार्ड एक इसको दिया, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ को दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नया मेंबर कौन बना है? तो वो बना है स्पेन। अब नंबर कौन सा है वो भी याद रखना, 99 नंबर है, ठीक है। और ISL लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस एम्स टू इम्प्लीमेंट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थ्रू एक्सटेंसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि, इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उसका 99th मेंबर बना है स्पेन, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कुछ होस्ट करने वाला है AFC वुमेन्स एशिया कप, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप, और ये इम्पोर्टेंट काफी, 2026 में होस्ट कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अभी ब्राजील न्यूज में, ब्राजील भी कुछ होस्ट करने वाला है क्योंकि ब्राजील 2027 का वुमेन्स सुपर वर्ल्ड कप, वुमेन्स सुपर वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, ठीक है। और अभी ब्रांड एम्बेसडर 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक यूसेन बोल्ट, ठीक है, और कौन बने हैं, युवराज सिंह, क्रिस गेल, और अभी रिसेंटली आज कल में ही अपॉइंट हुए हैं शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर है। तो याद रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर ये दे सकता है कौन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है T20 वर्ल्ड कप पे, और चार के नाम दे दे, पांचवा अलग दे दे, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन कोस्ट गार्ड होस्टेड ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स ड्रिल इन विच स्टेट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने होस्ट की ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स ड्रिल, कहाँ की है? वो की वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मॉक ड्रिल है ये, प्रैक्टिस है एक तरीके से। अब बात करें कोलकाता में क्या क्या हुई है अभी रिसेंटली, कोलकाता में एक 7th एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज तरकश, किस किस के बीच में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इंडिया की तरफ से, प्लस US की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज इनके बीच में हुई है, और कोलकाता में हुई है, ठीक है। अभी लद्दाख न्यूज में क्यों था? क्योंकि लद्दाख में इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड का हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी बनाई है, न्यू मा के अंदर वर्ल्ड हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी, टैंक रिपेयर फैसिलिटी बनी है, वो कहाँ बनी है? न्योमा, न्योमा का लद्दाख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु हैज वॉन द मोस्ट ट्रस्टेड कॉटन सीड ब्रांड इन नॉर्थ इंडिया एट द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024? तो ये अवार्ड दिया है BR कोर गम प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। अब बात करें NTPC न्यूज में क्या होता है, क्योंकि NTPC को थर्ड रैंक मिली है एट ATD बेस्ट अवार्ड, ATD बेस्ट अवार्ड 2024 एट USA, ठीक है। पूरी अवार्ड NTPC को 7th टाइम मिला है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरामको की कंपनी है, सऊदी अरामको है सऊदी अरब की कंपनी, ठीक है। अभी BEML न्यूज में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार कर रहा था, क्योंकि इसको 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है, किससे मिला है? नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड से, किसके लिए मिला है? ताकि इनको 28 BH-100 रियर डंप ट्रक बनाने हैं, बस। BEML क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। किसने गोल्ड जीता एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एट इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2024 लिमा, जो पेरू में हुई है? तो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग की कहाँ हुई है? लिमा पेरू में हुई है, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है प्रीति स्मिता बोई, और 40 किलो कैटेगरी में बनाया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी सत्विज साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने क्या जीता है? थाईलैंड मेंस डबल टाइटल जीता है, थाईलैंड मेंस, बाकी थाईलैंड मेंस डबल इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट इंडियन ने जीता तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इलोर्डा कप हुआ है, उसमें गोल्ड जीता है निखत जरीन ने और मीनाक्षी ने, दोनों ने जीता है, ठीक है। और निखत जरीन ने जीता है 52 kg कैटेगरी में बॉक्सिंग में, और मीनाक्षी ने जीता है 48 kg कैटेगरी।
ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलोडा कप कहाँ हुआ है? 2024 वाला, ये हुआ कजाकिस्तान। ठीक है, और अभी एक और टूर्नामेंट हुआ था, इमिलिया रोमागना, इमिलिया रोमागना ग्रांड प्री, ये किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टापेन, जो नीदरलैंड से है, रेडबुल के लिए खेलता है। क्वेश्चन नंबर 13, यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया है 16 ईयर एज? तो हो गया काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई में पढ़ती हैं, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अब बात करें ऋषभ गांधी क्या है, ये एमडी एंड सीईओ बने हैं किसके? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ है। ठीक है, ईडा शीशा नॉन्ग रैंक क्या है, मेघालय के फर्स्ट वुमेन डीजीपी है, मेघालय के फर्स्ट वुमेन डीजीपी है। ओके, अभी रिजवान कोयटा जी क्या है, चेयरमैन बने हैं एनएबीएच नब के, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर इनिशिएटिव, इसके बने हैं नब के चेयरमैन कौन बने? रिजवान कोयटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, उसको भी ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है एट द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। तो ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है इंटरनेशनल हेल्थ केयर लिमिटेड है, पीवीएस ग्रुप, उसको मिला है। ठीक है, पास्कल क्या कर रहा है अभी? पास्कल डिप्लॉय करने वाला है फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर, फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर डिप्लॉय करने वाला है इन सऊदी अरेबिया बाय 2025। ठीक है, और अभी एक स्टूडियो घिबिली, उसको पाम डोर अवार्ड मिला था पहली बार। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी हैज स्ट्रेंथन टाइज विथ विच कंट्री फॉर एनहेंसिंग डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस टाइज अंडर इंडिया ईस्टर्न फ्लीट डिप्लॉयमेंट टू द साउथ चाइना सी? तो साउथ चाइना सी में इंडिया ने डिफेंस टाई को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंडिया का ईस्टर्न फ्लीट को डिप्लॉय करने के लिए इंडियन नेवी ने फिलीपींस के साथ एमओयू किया है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप्स आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, किल्टन विजिटेड मनीला फिलीपींस एनहेंसिंग डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस टाइज अंडर इंडिया ईस्टर्न फ्लीट डिप्लॉयमेंट टू द साउथ चाइना सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच एयरपोर्ट वॉज अवार्डेड द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल होल एड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड किसको दिया है? वो दिया है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में बेंगलुरु बेस्ड वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड ने किसके साथ एमओयू किया है, विथ विच बैंक टू ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर? तो फार्मर को अगर मान लो ट्रैक्टर्स बाई करना है तो यहीं से लोन ले सके, तो वो किया है एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, एक्सिस बैंक ने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, LGBTQIA+ प्रोग्राम स्टार्ट किया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें इनकी हाईएस्ट ग्रोथ है, सभी सेक्टर में हाइएस्ट ग्रोथ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, क्योंकि इनका वॉल्यूम ही बहुत कम है तो ग्रोथ ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इज 15 ईयर हाई एट हाउ मच? 15 साल का हाईएस्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, तो वो है 140.2%। ठीक है, इंडिया का मार्केट स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन पहुंच गया है, 5 ट्रिलियन। ठीक है, और इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी वो $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी बाय 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई कितना ट्रांसफर कर रहा है सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? वो कर रहा है 2.11 लाख CR। एक सेकंड, अब 2.11 लाख CR याद किया तो इसके पास में ही अमाउंट है 2.10 लाख CR। ये क्या है? ये अप्रैल मंथ का जीएसटी कलेक्शन है जो हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन विच प्लेटफॉर्म हिट्स $5 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम? वही है कि $5 ट्रिलियन हो गया इंडिया का स्टॉक मार्केट, तो कौन से एक्सचेंज पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी लिस्टेड है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा।